कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार ने बिहार में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है और इसी के मद्देनजर आरजेडी कार्यालय भी आज से बंद कर दिया गया है। अभी हमारे साथ विधायक रणविजय साहू जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो ये कार्यालय कब तक बंद रहेगा और उसके बाद कब खुलेगा। सर, कार्यालय कब तक बंद रहेगा? ये देखिए, प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदा बाबू जी का स्पष्ट निर्देश है कि कोरोना का जो अभी काल चल रहा है उससे बचाव किया जाए, इसलिए उन्होंने ऑफिस में जो भी ऑफिशियल कार्यालय में जो कर्मी हैं वह काम कर रहे हैं, लेकिन बाहरी लोगों का प्रवेश पर तत्काल रोक लगा दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण बीमारी जो है उसका हम उससे लड़ सके, उसको रोक सके, वो जो पसर रहा है उसका चैन हम तोड़ सके। तो इन तमाम बातों के लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज कार्यालय में, हम लोग का भी आज व्यवसायिक प्रकोष्ठ पटना जिला पटना महानगर का आवश्यक बैठक था, लेकिन उनके निर्देश पर इस बैठक को स्थगित किया गया था। आप व्यवसायी प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात ये भी है जो सरकार के इस फैसले से व्यवसायी जो है, दुकानदार है, वो नाखुश है। कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं लेकिन कुछ लोग खराब मानते हैं, क्योंकि वो अपने हित में नहीं मानते हैं, तो लगता है इसको नुकसान होगा व्यवसायी में? देखिए, इस बीमारी से, कोरोना काल से अगर सबसे ज्यादा किसी पर बोझ है, मार है, उसके रोजी रोटी की सवाल है, तो वह छोटे मोटोले व्यवसायी हैं, जो कचरी बनाने वाले, फुलौरी बेचने वाले, हमारे हजारों हजारों की संख्या में गरीब महिलाएं हैं जो अपने मेहनत से, गाढ़ी मेहनत से अपने बच्चों को रोजी रोटी पानी दूध का इंतजाम करते हैं, उनके पेट पर फिर पुनः लात मारने वाली बात होगी। इसलिए हम राज्य सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं, महामहिम से आग्रह करना चाहते हैं कि ये विकट परिस्थिति में आए, हम लोग मिलजुल कर उनको राहत पहुंचावें जो सचमुच में गरीब हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं। तमाम व्यापारियों को, स्कूल कॉलेज में जितने हमारे बेरोजगारी का आलम है इस बिहार में, ट्यूटर हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद, पीजी करने के बाद भी नौकरी नहीं है, तो वैसे छात्र नौजवान ट्यूशन पढ़ाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं। आज दर्जनों टीचर से मुझे बात हुआ, वो बेहाल हैं और उन्होंने कहा कि अगर हमको राहत नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो इस तरह की बात बिहार में लोगों के बीच आ रहा है, इसलिए हम राज्य सरकार से विनम्र आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को अविलंब पॉलिसी बनावे और विशेष राहत पैकेज दिया जाए ताकि अपने बच्चों को वो दूध पिला सके, पानी पिला सके, रोटी खिला सके। लेकिन रणविजय जी, सरकार की जो योजना होती है उसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है, उसका जो जैसे सरकार कोई सहायता राशि देती है असलियत में उसको गरीबों को नहीं मिल पाता है, तो क्या कहेंगे इसको? भ्रष्टाचार का आलम है, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार का आलम है, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर इतना भ्रष्टाचार है जिसके कारण उन सरकार के तमाम योजनाएं उन जमीन तक नहीं जा पाती। इन सब बातों को लेके राष्ट्रीय जनता दल, जो गरीबों की पार्टी है, कमजोरी की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी, किसानों की पार्टी है, ये लगातार सड़क से लेके सदन तक आपने देखने का काम किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी और सदन में भी मजबूती के साथ हम विपक्ष के लोग सरकार को चेताने का काम किए कि विपक्ष सरकार का आईना होता है, सही चेहरा दिखाने का काम करता है। और इस बिहार में जिस प्रकार से अफसरशाही है, थानेदारों के द्वारा, BDO CO के द्वारा, अन्य अधिकारियों के द्वारा जितना भ्रष्टाचार है इस बिहार में, इसे गरीब का रोटी छीना जा रहा है। इन तमाम बातों के लेके राष्ट्रीय जनता दल लगातार संघर्ष कर रहा है और लोगों को एक ही विश्वास है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, युवाओं के आयोकन पूरे भारत के एक ऐसे चेहरे हैं जिसमें लोगों ने विश्वास जताया है, और जब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो उन तमाम मजलूमों का, गरीबों का, नौजवानों का, छात्रों का, किसानों का हालत में सुधार होगा, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। तो इन तमाम बातों को लोगों को आशा है, मुझे विश्वास है कि आने वाला समय हमारा होगा, गरीबों का होगा, राष्ट्रीय जनता दल का होगा, महागठबंधन परिवार का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ RJD के विधायक रणविजय साहू जी, जिनका साफ साफ कहना है जो बिहार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। मेरा नाम वरुण झा है, कैमरे के पीछे प्रत्युष कुमार सिंह है, आप जनता हम देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।